कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार प्रधान दिगंबर जैन समाज गनौर हरियाणा, श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा मानसरोवर जयपुर राजस्थान, अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र, श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजु जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। वास्तव में जिसको आज हम उन्नति कहते हैं, जिसको आज हम कहते हैं कि हमने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, वास्तव में वो ऊंचाइयां नहीं, वो हमारा अधोपतन है, वो हमारे जीवन में विकास नहीं विनाश है। आज हमने आवृत्ति के जीवन को बहुत अच्छा माना है, जबकि 16 कारण भावना के अंतर्गत तीसरी भावना में कहा है, सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सोरन की आपद टाले। क्या सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सील का मतलब सिर्फ अध्यात्म से नहीं है, सील हो तो परिवार समाज में संस्कृति बनी रहती है, सभ्यता बनी रहती है, एक मान मर्यादा बनी रहती है, प्रेम और वात्सल्य बना होता है। जितने भी क्राइम देखते हैं आप, सब आवृत्ति होने का परिणाम है, कुशील का परिणाम है। हमारे आचार्यों ने कहा है, सुशील ही मोक्ष है और कुशील ही पतन है। वो संसार का कारण है कुशील, और कुशील वो पंचेंद्री संबंधी कोई भी क्रियाएं हो सकती हैं, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री के संबंधी जो भी असंयम है, मन के संबंधी जो भी असंयम है, सब कुशील के अंतर्गत आता है। और एक एक इंद्री के कारण तुलसीदास भी कहते हैं, अली मृग मीन पतंग गज इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पांच। अली मृग मीन पतंग गज, हाथी जैसा बलशाली जानवर भी सिर्फ एक चित्राम की हथनी या साक्षात हथनी उस पार होती है और स्वयं गड्ढे में गिर कर तड़फ तड़फ कर जान दे देता है या पराधीनता को स्वीकार करता है। और रसना इंद्री के कारण मछली खाने तो जाती है आटा, लेकिन मिलता उसे कांटा। घ्राण इंद्री के कारण भौरा हो या और कई जीवों की हम हत्या कर देते हैं, मृग आदि की हत्या कर देते हैं कस्तूरी के लिए,
लेकिन उसकी हाल भी वही होता है। अपने पास होती है, दुनिया में ढूंढती है। हम जीवन की सुरभि को नहीं ला पाते, बाहर की सुगंध से इस गंदगी को छुपाते हैं। कहते मुंह ढककर आज जा रहे हैं, सारी जिंदगी पर यूं पछता रहे हैं, और जिंदगी भर तुमने बदबू में गुजारी है, इसलिए आज फूलों से उसे छुपा रहे हैं। फूलों से ढक कर जा रहे हैं, ऐसी जिंदगी हो गई आजकल। बाहर की खुशबुओं से अपने आप को सुगंधित बना रहे हैं। कहा भी है, दुर्गंध देह असुचि मलकी पटारी, क्यों शुद्ध वस्तु जग में इसने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। एक आपके ऊपर चेहरे पर ब्यूटी पार्लर का कमाल है, लेकिन दूसरी तरफ जो सच्चे साधक हैं, जिनके अंदर सच्चा सील का तेज है, जिन्होंने अपनी मान मर्यादा रखी, जिन्होंने इंद्रियों को बगावत नहीं करने दी, इंद्रियों पर हुकूमत करना सीख लिया है, उनके तेज अलग होता है। उनके चेहरे पर, उनके पास जाओ तो उनकी ऊर्जा इतनी बलशाली होती है कि वहां जाके लगता है कि ना जाने कौन से स्वर्ग में आ गए। ये बात अलग है कि बाहर से भेष बदल ले और अंदर से कोई परिवर्तन नहीं आए तो वास्तव में तपस्या तपस्या नहीं है, लेकिन अंदर में भी परिवर्तन आ जाए तो जीवन में बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और बहुत सम्मान मिलता है जीवन में। हमें भी चाहिए सुकून, सम्मान और अच्छी जिंदगी जीना है तो सील व्रतों को पालें, अपने जीवन में सील को स्थान दें। सीलवान व्यक्ति कहीं भी जाए उसे लोग शंका से नहीं देखते, उसे आदर से देखते हैं। अपनी बहू बेटियों को, परिवार को उसके जिम्मेदारी पर छोड़ देते हैं। और कुशील व्यक्ति लाख अपनी दलीलें दे, लेकिन उसे कोई अपने घर में प्रवेश करने नहीं देता, अपनी बहू बेटियों को उनके साथ नहीं जाने देता है। इसलिए कहा, सील सदा दृढ़ जो नर पाल है, कि वास्तव में जो सील पाते हैं वो देवों के द्वारा पूज्य हो जाते हैं। और आज पूरा जीवन कुशीलमय हो गया, सुबह से शाम तक और मोबाइल से टेलीविजन तक, आज सिर्फ कुशील का प्रचार है। आज एक दातुन से पेस्ट से लेकर कार तक, हवाई जहाज तक बेचना हो तो सिर्फ प्रदर्शन है, और वो प्रदर्शन है जो पर्दे की चीज थी, वो प्रदर्शन की चीज बन गई आज। नारी जीवन में, नारी के सिर्फ सच पूछो चेहरा भी नहीं दिखता था। नारी एक खीरे रत्न की तरह थी, उसे कन्या रत्न कहा जाता था, क्योंकि दे दो तो संबंध बन जाते थे, आज दे दो तो तकरार शुरू हो जाती है, आज संबंध बिगड़ जाते हैं। पहले लोग कहते थे उनका युद्ध होना है, उस राजा ने चढ़ाई करनी है, अपनी बेटी दे दो, प्रेम के संबंध बन जाएंगे। आज हमने अपनी बच्चियों को वो संस्कार नहीं दिए जो प्रेम के संस्कार बन जाए, वो संस्कार नहीं दिए जो प्रेम के संबंधों को जीवित रखे। आज के हमारे संस्कार ऐसे हो गए हैं जो जीवन में तकरार पैदा करते हैं, जीवन में दुराव पैदा करते हैं, जीवन में कुशील पैदा करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन में शालीनता का जीवन जिए, जीवन में हम अपनी अच्छाइयों को अपनाएं, जीवन में जैसा भी जीवन है उसे संतोष के साथ जिए। मैंने कहा था पंचेंद्री के कारण, आज चक्षु इंद्री के कारण, नजरों के कारण अब कितना दुराचार हो रहा है सुबह से शाम तक, क्योंकि नजरें सिर्फ नजरें नहीं होती हैं, नजरें झुक जाएं तो हया बन जाती हैं, उठ जाएं तो बेहया बन जाती हैं, आ जाएं तो दुख देती हैं, चली जाएं तो दुख देती हैं, लड़ जाएं तो दुख देती हैं, भिड़ जाएं तो दुख देती हैं, फूट जाएं तो दुख देती हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि अज्ञान तिमिरम व्याप्ति, कहते हैं अज्ञान से तिमिर व्याप्ति हो रही, अंधेरा हो रहा है, लेकिन भगवान आप कैसे हैं, आपकी चक्षु रूपी सलाई से, आपकी ज्ञान रूपी चक्षु से, ये आपके ज्ञान रूपी चक्षु में हमारी सारी गलतियां दिखती हैं। आप सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, भगवान आपने क्या किया है, अज्ञान रूपी अंधकार से जो नेत्र जन्म जन्मांतर से बंद थे, एक दो जन्मों से नहीं अनंत जन्मों से हमारे मिथ्यात्व के कारण अंधे हो रहे थे, उनको आपने क्या किया, ज्ञान रूपी अंजन को डालकर हमें नेत्रवान बना दिया। एक ही अंधे व्यक्ति को कब तक इलाज करोगे, कब तक अंधे व्यक्तियों को तुम सहारा दोगे, आज दोगे दूसरे दिन फिर तुम्हारे सामने दुख फरियाद करने आ जाएगा। अंधों को बैसाखी मत बनो, अंधों को बनना है तो आंखों का इलाज करा दो। लेकिन आज का आदमी तो ऐसा है, आंखें भी मिल जाए तो सिर्फ पाप दुराचार दुष्टता के काम करता है, और कहता क्या करें, आंखें मिली है तो कुछ तो करना, अरे कुछ करना है प्रभु दर्शन से करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए,
भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालू तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालू तेरी तस्वीर हो जाए। भगवान मेरी नजरों को ऐसा आप नजरिया दो, ऐसा सलीका दो कि किसी चीज पर भी जाए तो साकार हो जाए, दुष्ट को भी देखे तो मित्र नजर आए, पत्थर को भी देखे तो परमात्मा नजर आए, दुश्मन को देखे तो शत्रु बनाने की कोशिश करें। मैं कहती हूँ मित्र को एक भी मौका ऐसा मत देना जो वो दुश्मन हो जाए, और दुश्मन को हजार मौके देना कि वो तुम्हारा दोस्त हो जाए, लेकिन हम एक मौका भी नहीं देते हैं। हम तो उल्टे दोस्तों को दुश्मन बना लेते हैं। जरा सा कोई बड़ा आदमी घर में कुछ कह दे बस तकरार शुरू हो जाती है, दुराव शुरू हो जाता है और छुपाव शुरू हो जाता है। किससे छिपाना, सास लगी है कुछ मैं बचा के रख लूं, बहू सोचती है कुछ मैं बचा के रख लूं, अरे दोनों को छोड़कर जाना है। सास कहे कि बेटा सब तेरा है, और बहू कहे कि माँ जी मेरा कहाँ से है, सब आपका है, आपके रहते हुए मुझे कोई जरूरत नहीं है इसमें ताले लगाने की, सब आप रखो, आप मालकिन हो, हम तो बाद में आए हैं, आपने घर बसाया है तो इतनी तकरार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज पांचों इंद्रियों के हम गुलाम बन गए हैं। सुबह से शाम तक आदमी दूरदर्शन देख रहा है लेकिन आत्मदर्शन से वंचित हो रहा है। कानों के लिए भोंडा संगीत, अशास्त्रीय संगीत कोई नहीं सुनना चाहता। हाँ डिस्को, कान फोड़ने वाला जिसमें पता नहीं भूतों जैसी आवाजें आती हैं, लोग डांस भी करते हैं तो लगता है पागल लोग उछल कूद मचा रहे हैं। एक बार डिस्को चल रहा था तो एक शास्त्रीय संगीत वाला सुनने वाला था, उसको क्या समझ में आ गया डिस्को क्या है, बोले मैं कर रहा है ऐसे ही, मेरा बकरा करते करते मर गया था, ये लोग भी मरेंगे बचेंगे नहीं। पर मैं कहती हूँ गुलशन से बाहरों का नजारा चला गया, गुलशन से बाहरों का नजारा चला गया, आया था एक किनारा, किनारा चला गया, हम देखते ही रह गए, हम देखते ही रह गए आंखें पसार कर, किस्ती से बहुत दूर किनारा चला गया, किस्ती से बहुत दूर किनारा चला गया। हमारे जीवन की हालत भी ऐसी है, हम सोचते हैं बना रहे हैं मिटाने पर लगे हुए हैं, तो हमें यदि सील व्रतों का पालन करना है तो व्रतों का कोई मतलब नहीं, बहुत कठिन नहीं है व्रत पालना, व्रतों को हम पाल सकते हैं, जरा सा नजर बदल दें, जरा सी जो हमारी अवृत्ति की अवस्था है, जो हमारी असंयम की अवस्था, उसे संयम में परिवर्तित कर लें तो आप लोगों का जीवन महान बन सकता है। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है, आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, दूर करे साधकों की
दिनचर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिनधर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमे आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रूपए, औषधि दान 11,000 रूपए, पिच्छी दान 11,000 रूपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रूपए, विशेष सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रूपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजूश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार जंगपुरा दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी C-130 पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी निवासी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल।